तो सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगी, और इनसाइड एज को इतना प्यार मिल रहा है, काफी अप्रिसिएशन मिल रहा है, सो कैसी फीलिंग है ये जानना चाहूंगी इनसाइड एज पार्ट टू को। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है और ये सब दर्शकों की वजह से है, और हम लोग सारे बहुत खुशनसीब और शुक्रगुजार हैं आप सबके जिन्होंने इस शो को देखा, इसको निहारा। पहला सीज़न में हमें एमी नॉमिनेशन मिला, लेकिन जो दूसरा सीज़न है हमें बहुत सारा बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खड़ा उतरना पड़ा, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर होता है कि लोगों के दिमाग में एक सवाल होता है कि क्या दूसरा सीज़न पहले सीज़न जैसा होगा या उससे बेहतर होगा या फिर उतना भी नहीं खड़ा उतर पाएगा। तो सेकंड सीज़न पहले लोगों का जो कमेंट अब जब मैं पढ़ता हूँ ट्विटर पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, दे हैव रियली लव्ड इट एंड अमेजोन इज़ वेरी हैप्पी एंड सो इज़ एक्सेल एंड सो इज़ अ क्रिएटर करण अंजुमन और अरविंद वशिष्ठ की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अभी तक का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स क्या मिला है? बहुत मिले हैं कॉम्प्लीमेंट। मैं ऐसे तो लाइक काफ़ी लोगों ने मेरा बोलिंग एक्शन कंपेयर किया मेरे पिताजी के साथ, काफ़ी लोगों को मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लगी है, काफ़ी लोगों ने कहा है कि वी विश दैट देयर इज एन अरविंद वशिष्ठ इन आर लाइफ। सो यू नो, अब मैं आई गेट वेरी एम्बैरस्ड विद कॉम्प्लीमेंट्स, बिकॉज मेरा क्या था कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि अरविंद वशिष्ठ विल स्नोबॉल इनटू दिस काइंड ऑफ लेवल ऑफ लव दैट द ऑडियंस हैज़ फॉर दिस कैरेक्टर, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग इनसाइड एट सीजन टू एंड वन। थैंक यू सो मच। आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी, जो सीजन पार्ट वन में था वो सीजन पार्ट टू में कितना कुछ अलग है और क्या कुछ? देखिए काफ़ी अलग है, स्ट्रगल अलग है, जो उसका पेन है वो अलग है, जो उसका कमबैक का जो उसका वजूद है वो अलग है, पर्पस अलग है, वैसा इंटेग्रिटी ऑनेस्टी वही है इंसान की जो क्या कहते हैं उसका जो डीएनए वो वही है, इज़ दैट करेक्ट अपराइट ऑनेस्ट मैन, बट ही इज़ नॉट नाइव एनी मोर, वो ही इज़ वेरी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, उसको पता है कि लोग कैसे हैं उसके साथ किस तरीके से। इट्स नॉट मेड हिम अ बिटर पर्सन, द एक्सपीरियंसिस दैट ही हैड इन द फर्स्ट सीजन हैव नॉट मेड हिम अ बिटर पर्सन, इट्स मेड हिम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, इज कमिंग बैक विद अ लॉट मोर पर्पस। सो एक डिफरेंट एम्बिशन है, एक डिफरेंट ड्राइव है विच लोगों को भारी है, दे आर रेजोनेटिंग विद द कैरेक्टर एंड ऑब्वियसली ही इज़ अ मैन ऑफ एक्शन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लिए, फ्रॉम बिल्डिंग हरियाणा हरिकेन्स फ्रॉम द स्क्रैच टू पुटिंग हिज फेथ बैक इन द प्लेयर्स टू यू नो streamlining his team to playing unpicked players, putting confidence in them, you know, and making them believe they can win the tournament. And he's fighting against all odds. He wants to get Vikrant Dhawan down and he takes him down. And I feel that that is uska ek wajood, ek purpose. He's a very purposeful man and he's come back in a very strong way. Okay, shooting ke dauran kaisa experience raha aur co-workers ko stars ke saath kaisa experience raha? Bahut acha raha. Mera experience shooting मनु ऋषि चड्डा के साथ मेरे काफ़ी सीन्स हैं, ही इज़ प्लेइंग द टीम ओनर ऑफ हरियाणा हरिकेन्स हांडा साहब, ही इज़ डन रियली वेल, अमित सयाल है, देन देर हैज़ बीन तनुज, एट द सेम टाइम आई फील माय क्रिएटर करण अंजुमन हैज़ रिटन अ फिनोमिनल पार्ट फॉर मी एंड थैंक यू करण फॉर पुटिंग योर फेथ इन अरविंद वशिष्ठ सो मच दैट यू नो आई डोंट नो इफ आई वॉज इवन वर्दी इनफ टू प्ले अरविंद वशिष्ठ, बट नाउ आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी and I have to, like I have a responsibility towards a character and people see me like that. And you know, this is how my father wanted to see me as. Like he always said, I want you to lead a very honest, upright and be a man of integrity. Be hardworking. And that is what Arvind Vashisht is. And I feel that for me, if I have to ever give back something, this is my ode to my dad. This is my ode to my father. Inside Edge Season 1 and Inside Edge Season 2 and Arvind Vashisht as a character is my ode to my dad. And I feel that I'm really grateful. Thank you, Ritesh Sidwani, our producer, boss man, Farhan Akhtar, and Excel, Amazon, and Karan Anshuman for letting this happen. I'm very happy. कौन सी ऐसी बात है जो इस वेब सीरीज से आपको मालूम चला जो पहले नहीं पता चला क्रिकेट के बारे में? देखिए क्रिकेट के बारे में मुझे काफ़ी चीज़ें पता है क्योंकि मेरी पैदाइश इस खानदान में हुई जहाँ क्रिकेट खेली गई है। माई फादर प्लेड फॉर द कंट्री फॉर 20 ईयर्स लिटरली एंड कैप्टन 4.5 ईयर्स, सो आई अंडरस्टैंड द गेम प्रीटी वेल। लेकिन डोपिंग एक ऐसा है
जो सिचुएशन जो मुझे समझ, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट, जो इस शो में दिखाया गया है इन द सेकेंड सीजन, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है ऑन अ प्लेयर वो, एंड क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. तो आई लाइक दैट होल जोन व्हेन वी शॉट इट, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड दैट नॉलेज वाज इमेंस. एंड आई रियलाइज दैट दिस इज़ गोइंग ऑन इन टुडेज टाइम, बिकॉज उससे रिकवरी जल्दी हो जाती है. एंड देर हैव बीन केसेज इन रियालिटी एज वेल वेर प्लेयर्स हैव डोप्ड एंड दे हैव कम अंडर द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन एंड बट इट्स कम इन टू द न्यूज़ एंड इट्स मेड मी अवेयर, बट आई डिडंट नो कि किस तरीके से होती है जो इसमें दिखाया गया अच्छे से. ओके, द जोया फैक्टर, द वर्डिक्ट स्टेट वर्सेस नानावती एंड इनसाइड इज टू, सो कौन सा कैरेक्टर आपका आपको ज़्यादा टफ लगा? देखिए टफ तो सारे होते हैं. काल खंडाला वाला वर्डिक्ट से लाइक जिस तरीके से उसका फ्लैम्बॉयंस था, टू रीच दैट लेवल वॉज वेरी एग्जॉस्टिंग, टू मेमोराइज दोज काइंड ऑफ लाइंस, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ थिएटर स्टॉलवर्ट्स लाइक मकरंद देशपांडे, सौरभ शुक्ला, मानव कौल, सोनी राजदान, स्वानानंद किरकिरे, यू नो दे ऑल ब्रिलियंट, सुमित व्यास, they all brilliant actors, you know, to work with them was really something which I gained a lot of experience out of. Inside Edge, Arvind Vashishth is my most favorite character till date. Kal Khandala Wala has been a very tough journey, but Arvind Vashishth is my most favorite. Aur har kisi kirdar aapko kuch na kuch sikha ke jata hai. Iske baad main ek character play kar raha hu Anshuman Saxena, ek film main kar raha hu Gunjan Saxena the Kargil Girl, bhai behan ki kahani hai. तो जानवी कपूर एंड आई आर प्लेइंग ब्रदर सिस्टर्स एंड देन देयर इज अ फादर इन पंकज त्रिपाठी जी. सो दैट इज़ अ वेरी इमोशनल फिल्म, छोटे गांव की, एक शहर की, लखनऊ की कहानी है, इट्स अ ट्रू स्टोरी. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, उससे भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ. और ऑल्सो हैड ग्रेट प्रोड्यूसर्स इन करण जौहर एंड अपूर्वा मेहता, टू वर्क विद धर्मा प्रोडक्शन इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी एक्टर, जो जिस तरीके का प्लेटफॉर्म मिलता है, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव गॉट दैट. आई होप करण यू रिपीट मी इन मेनी मोर फिल्म्स. सो या ये एक मेरी दुआ है. आई विश टू वर्क विद पीपल लाइक लव रंजन, शकुन बत्रा, अली अब्बास जफर एंड सुजीता अगैन, शरण शर्मा अगैन, यू नो, बिकॉज आई फील दैट दे अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द ऑडियंस सो वेल, वेदर इट्स ह्यूमर और इट इज़ रिलेशनशिप्स और इट इज़ यू नो कॉमेडी. I want to venture into those spaces. Okay, in future और किस टाइप के आप characters को play करना चाहेंगे? मुझे comedy करना है. I really want to venture into that. मैंने comedy कभी करी नहीं. I'm really looking forward to something like that, funny. I want to do a very nice hinterland film. Let's hope it comes my way soon. I'm putting out the energy of comedy. I'm putting out energy, love sir, towards you that you pick up the phone and call me. So I hope you hear this. And yeah, मुझे इन लोगों के साथ काम करना है जो they bring out different facets in my personality, and that is what is going to stay. Like, you know, aaj hum rahenge nahi rahenge, your work will always stay and speak for itself. So I feel, yeah, I want to be part of Inside Edge. I want Arvind Vashishth to come back again. Now how it comes back, Karan, Anshuman knows best. So yeah, like I'm attached to my characters. I'm not attached to my projects, but I'm attached to my characters. Okay, ye second part bhi pura khula hua dikh raha hai. So iska third part bhi aane wala hai. To be continued. Dekhiye, wo to producers hi bata payenge. Abhi mujhe iski itni knowledge nahi hai, but I think that is the call that the producer. Main to kehta hu third kya, fourth bhi aaye, fifth bhi aaye, 10th aaye, 11th aaye, 20th seasons tak aaye. Cricket is religion in our country. Jab tak cricket kheli jayegi, tab tak Inside Edge rahega. Ye mera manna hai, aisa mera manna. आप क्रिकेट को खेलना कितना पसंद करते हैं? मुझे देखना ज़्यादा पसंद है. मैं खेलना इतना पसंद नहीं करता, मुझे देखना ज़्यादा पसंद है. मुझे T20 क्रिकेट बहुत अच्छी लगती है, मुझे टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी लगती है. तो आई लाइक दीज टू फॉर्मेट्स. आपके फेवरेट प्लेयर? फेवरेट प्लेयर्स तो खूब हैं. AB डिविलियर्स हैं T20 क्रिकेट, विराट कोहली इज़ अ फिनोमिनल प्लेयर, स्टीव स्मिथ है. बॉलर्स में अभी पास्ट के हैं, शेन वॉन हैं, अनिल कुंबले हैं, हरभजन सिंह हैं, ब्रेटली, कपिल देव, रिचर्ड हार्डली एज ऑल राउंडर्स, इमरान खान एज एन ऑल राउंडर, सचिन तेंदुलकर एज अ फिनोमिनल मास्टर बैट्समैन, लेजेंड. हाँ तो ये सब मेरे हैं. एंड्रू फ्रिंटॉफ एज अ युवराज सिंह, माई वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड एंड अ फिनोमिनल प्लेयर हु वन अस द वर्ल्ड कप एंड हिट दो सिक्स सिक्सेस एज अ कैप्टन. MS धोनी, सौरव गांगुली, या दीज आर द नेम्स दैट कम टू माई माइंड. या also as bowlers, like agar mujhe thoda aur piche jana pade, I was not born then, but I saw a lot of matches footage later. My dad, Chandrasekhar, Prasanna, Vishwanath, the quartet, Sunil Gavaskar,
या अभी तो फिलहाल कबीर खान एक फिल्म बना रहे थे 83 जो विल पुट ऑल ऑफ दीज स्टॉलवर्ड्स टुगेदर, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ओके, नेहा का नो फिल्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है और आपका द जोया फैक्टर, द जोया फैक्टर, द वर्डिक्ट स्टेट वर्सेस नानावती एंड इनसाइड इज टू सीजन, सो कितना लकी रहा ये साल आपके? देखिए साल बहुत अच्छा गया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। नेहा ऑल्सो हैज बीन अ वेरी लाइक यू नो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, एट द सेम टाइम शी इज बीन वर्किंग, शी इज डूइंग सच वेरियस प्रोजेक्ट्स, सो आई फील वी आर वेरी ब्लेस्ड, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। अब बस ऐसे ही हम चुपचाप काम करते जाएँ और मेहनत करें और आगे बढ़ते जाएँ। ओके, एंड लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जस्ट कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज दैट्स वॉट इज इन योर हैंड्स, डोंट वरी अबाउट रिजल्ट, इट्स नॉट अबाउट वेयर यू गॉट टू रीच, इट्स हाउ यू रीच देयर, दैट्स द जर्नी, सो एंजॉय दैट।